हिंदुत्व, हिंदुनेस, हिंदुइज्म, ये गलत शब्द है क्योंकि इज्म एक बंद चीज मानी जाती है। तो कोई इज्म नहीं है, वो एक प्रक्रिया है जो चलती रहती है। गांधी जी ने कहा है कि सत्य की अनवरत खोज का नाम हिंदुत्व है। राधा कृष्ण जी का एक बहुत सुंदर कोट है, मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन एक उसका चरण है कि हिंदुत्व ये प्रोसेस है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, मोस्ट डायनामिक है, और उसमें सबका योगदान है जो भारत में हो गए विचारक। इसलिए हिंदुत्व को हिंदुइज्म नहीं कहना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। और अन्य मतपंथों के साथ तालमेल कर सकने वाली एकमात्र विचारधारा ये भारत की विचारधारा है, हिंदुत्व की विचारधारा है, क्योंकि तालमेल का आधार मूल एकत्व। प्रकार विविध है और विविध होना अवश्यंभावी है, क्योंकि प्रकृति विविधता को लेकर चलती है। विविधता ये भेद नहीं है, विविधता ये साजा सज्जा है, प्रकृति का श्रृंगार है, ऐसा संदेश देने वाला, और संदेश ने थियोराइजेशन के आधार पर नहीं, अनुभूति के आधार पर देने वाला एकमात्र देश हमारा देश है। और इसलिए हिंदुत्व ही है जो सबके तालमेल का आधार बन सकता है।